डेट है अगर आपको पता चल रहा है। मैं आपको दिखा दूँ ये जो ट्री दिखाई दे रहे होंगे चाहिए था, तो मैंने उस स्लेट को कैसे पेंट कर लिया कि मैंने कलर जो भी दिया और उसको स्टैम्प कर दिया, और मजीद जो उस पर इफेक्ट्स देने थे वो मैंने बाद में एक्सटर्नली और लेयर्स बना के ऊपर ओवरले कर दिए। ठीक हो गया, पेंटेड है, हैंड पेंटेड है, लेकिन जो जो चीज़ें वो हैं मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी दिखाती जाऊँगी। अब समझ में आ गया कैसे यूटिलाइज हो सकता है, ब्रशेज से आप क्या क्या कर सकते हो। सिंपल जरूरी नहीं आपको सिर्फ स्ट्रोक ही लगानी है या आपने एक नाम लिखना है या आपने एक फूल बना देना है, इससे यार बेताशा काम से उनके काम आते हैं। नहीं, स्पार्कल ब्रश नहीं है, स्पार्कल एक और तरीके से बनाए गए हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। स्पार्कल का तरीका ये है कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैंने एक सॉफ्ट ब्रश लिया या हार्ड ब्रश लिया, क्योंकि अभी तक आपने इफेक्ट्स नहीं पड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आपने पूछ लिया, तो वो बाद में जब हम पढ़ेंगे तो मैं दोबारा भी बता दूँगी। ठीक हो गया, मैं फ्लो को एकदम पूरा कर रही हूँ, ये कैसे हुआ। और मैं यहाँ से कलर येलो सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक हो गया, इस इन लेयर्स को ऑफ कर रही हूँ, फिर बैकग्राउंड लेयर पे आ रही हूँ। आप देखो मैंने ये डॉट लगाया ना, और अगर मैंने अब इसको कोई भी सेटिंग चेंज करनी है, कुछ भी करना है, आपने यहाँ से कलर चेंज करना है, वो सारा कुछ आप करके अच्छा जी इस पे सॉरी इसलिए नहीं हुआ, लेयर पे कर दिया है आई मिस्टेक। ब्रश लगा के आप इस पे इफेक्ट्स देंगे, इस तरह से स्पार्कल है। अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगी, लेकिन ये बेसिकली इस तरीके से एंड में उनको ब्लेंड कर दिया। तो आप मिक्सर ब्रश लेते हो और ऑल्ट से उसका सैंपल पिक करते हो और उसको ब्लेंड करते जाते हो। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको नोहा हो कि इसका प्रोसेस क्या है, लेकिन ये एडवांस कोर्स में चला जाता है। ठीक हो गया, ब्रश का हमने आई गेस काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया, आपको इम्पोर्ट करना भी आ गया, डाउनलोड करना भी आ गया, इसी तरह से मल्टीपल ब्रशेज हैं यार, उसकी वेबसाइट पर चले जाओगे तो आपको जो जो वेब ब्रशेज चाहिए यहाँ पे इफेक्ट्स क्लाउड्स के हैं सो ऑन जितने भी हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, हर तरह का ब्रश मिल जाएगा। हमने स्टैंप पढ़ लिया था, हमारे पास आ जाता है इरेजर टूल, जो कि हम लोगों ने इसकी अगर कैटेगरी को ओपन करें इसमें तीन टूल्स हैं, इरेजर टूल, बैकग्राउंड।
कि उस एरिया को उसने ख़त्म कर दिया है, रिमूव कर दिया है, ये उसको आप अगर अंडू कर दो तो आप इसको वापस ला सकते हो। लेकिन अगर आपने करके सेटिंग और सेव करके फाइल बंद कर दी है तो वो क्या हो गया, हमेशा के लिए चला गया। लेकिन जब हम मास्किंग पढ़ते हैं तो मास्किंग का प्रोसेस ऑब्वियसली भी आप कल या परसों पढ़ लोगे तो आपको वो पता चल जाएगा कि मास्किंग में कंस्ट्रक्टिव केसेस की जो भी चीज़ आप मिटा रहे हो या रिमूव कर रहे हो वो गायब नहीं होती, वो वहीं रहती है। तो इसलिए ये डिस्ट्रक्टिव टूल है और वो कंस्ट्रक्टिव टूल है। तो जब आप ऑब्वियसली थोड़े बिगनर होते हैं आपको इरेजर बड़ा कमाल लगता है, लेकिन जब जैसे जैसे आपका हाथ थोड़ा साफ होना शुरू होता है, आपको फोटोशॉप के काम और तरीका का बन जाता है, प्रोसेस होता है आपका, आपको समझ में आ जाता है कि मास्किंग से बेस्ट कुछ है ही, तो आप मास्किंग पे ही जाते हो छोटी सी छोटी चीज़ के लिए। अच्छा, इरेजर में एक चीज़ और, जो ब्रश मैंने जिसने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जितनी भी ब्रश की सेटिंग थी वो सारी इरेजर में यूज़ हो सकती है। कैसे कि अगर आपका ये हार्ड ब्रश था, अगर आप इसको ओपन करो और आप सॉफ्ट ब्रश ले लो और अब आप इरेज करना शुरू करो तो ये